नगर निकाय चुनाव के परिणामों से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे संतुष्ट नहीं है। परिणामों पर बात करते हुए उन्होंने माना है कि धान खरीदी में जो गलतफहमी हुई उसका असर नतीजों में देखने को मिला है। मंत्री चौबे ने कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि नतीजे एक तरफा होंगे। उन्होंने कहा है कि मिश्रित सफलता के बाद कांग्रेस को इन परिणामों को लेकर आत्मावलोकन करना होगा। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा है कि इतना करने के बाद भी कांग्रेस वैसा रिजल्ट नहीं ला पाई। चौबे ने ब्यूरोक्रेसी में और नियंत्रण करने की जरूरत पर जोर दिया है। उनसे परिणामों के बारे में बात की है हमारे राजनीतिक संपादक रूपेश गुप्ता ने, सुनिए। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों में कांग्रेस आगे दिख रही है, लेकिन कांग्रेस को जो उम्मीद थी, क्या कांग्रेस उन नतीजों को हासिल कर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम बात करें कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से। जो नतीजे आ रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं? अब दिखाई तो दे रहा है कांग्रेस सफलता प्राप्त कर रही है, लेकिन जिस तरीके से हम उम्मीद किए थे कि सारे नगरी निकायों में, विशेष करके बड़े नगर पालिका और नगर निगमों में एक तरफा कांग्रेस की जीत होगी, वो थोड़ा सा मिश्रित परिणाम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकार सत्ता कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है, हालांकि ये भी दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के महापौर और अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नगरीय निकायों में जो संघर्ष की स्थिति बन रही है, जो हमारे खिलाफ भी कुछ परिणाम जा रहे हैं, तो ये हम लोगों को निश्चित रूप से आत्मावलोकन का समय है कि हम आखिर इतना सब कुछ करने के बाद भी हम रिजल्ट पब्लिक से क्यों पूरा ले नहीं पाए। उसके बावजूद भी अभी कांग्रेस के पक्ष में वातावरण दिख रहा है। आखिरी फैसला आते तक ऐसा हमें लगता है कि परिणाम जिस तरीके से हम उम्मीद करते हैं उसी तरीके से आएगा, कांग्रेस के पक्ष में आएगा। लेकिन आप लोग तो उम्मीद जता रहे थे ना कि 70% सीटें जीतेंगे और काम भी आप लोगों ने खूब किया था। मुझे अभी भी लगता है कि 70 के आसपास तो हमारी सारी सीटें जाएंगी ही, लेकिन हमको इससे भी बेहतर की उम्मीद थी, उसमें भी मिश्रित परिणाम क्यों आए ये आने वाला समय में हम लोग आत्मावलोकन करेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि मोहन मरकाम जहां से आते हैं वहां पे कांग्रेस हार गई है। ये वो जगह है जहां पर काफी समय खुद मोहन मरकाम ने जाकर के बिताया, कैंप किया, उसके बावजूद क्या ये भी माना जाए कि संगठन में जो बदलाव हुआ उसका वैसा परिणाम नहीं दिखा? अब बहुत सारे रिजल्ट जो होते हैं स्थानीय स्तर पे कुछ जो जनता की अपेक्षाएं होती हैं उसके आधार पे हो जाते हैं। गंभीर चिंतन की जरूरत है जो परिणाम आ रहे हैं उससे? चिंतन की जरूरत तो है, लेकिन इस बात की भी आवश्यकता है कि जितने अच्छे कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दे रहे हैं उसको जमीनी स्तर पे धरातल पे पहुंचाने के काम में हम लोग कहीं कोताही तो नहीं बरत रहे हैं। इस दिशा में हम लोगों को बेहद मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसे कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता।